नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। आज लाए हैं फिर से चार बड़ी खबरें टेक जगत की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों पहला अपडेट है ट्विटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ट्राई कर रहा है नया टाइमलाइन, यानी उसके एंड्रॉइड, सिर्फ एंड्रॉइड के यूजर्स पे, एंड्रॉइड ऐप जो है ट्विटर का, उस पे ट्विटर एक कुछ नया ट्राई कर रहा है। और नया का मतलब है अपना टाइमलाइन जो है ट्विटर का, वो चेंज करने की देख रहा है। तो अगर आपको ट्विटर का कोई अपडेट आता है तो कर लीजिए, क्योंकि ये अपडेट थोड़ी अच्छी लग रही है। क्योंकि उसमें ऐसा होने वाला है कि जो भी टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और वो जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो टॉपिक्स आपको सबसे ऊपर दिखेंगे, ताकि आप जो है मिस ना कर पाए। जो भी मेन मेन टॉपिक्स हो, जो भी ट्विटर पे चल रहा है ट्रेंडिंग पे, वो आप मिस ना कर पाए। तो शायद एक अच्छा चेंज होगा ट्विटर ऐप के लिए। जैसे कि हम जानते हैं ट्विटर ऐप थोड़ा बहुत बोरिंग है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है उसमें, और बहुत लेंथी ऐप भी है, लेकिन शायद ये ऐप कुछ अच्छे चेंजेस कराएगा। दोस्तों दूसरी खबर है गूगल के बारे में। गूगल लॉन्च करने वाला है नया हैंडसेट उसके पिक्सल लाइनअप में। उसका नाम होगा गूगल पिक्सल 3a XL। शायद ये लाइट वर्जन होने वाला है, और कहा पहले ऐसी खबर आई थी कि ये 6GB वेरिएंट में अवेलेबल होगा, लेकिन अब नई खबर ऐसी आई है कि ये 4GB के वेरिएंट में अवेलेबल होगा। इसकी इंटरनल मेमोरी जो होगी वो शायद 32GB हो सकती है, और इसमें यूज किया जाएगा स्नैपड्रैगन 710 SoC प्रोसेसर, जिसमें ऑक्टाकोर CPU होगा, रनिंग एट 1.74 GHz। स्क्रीन की रूमर है कि स्क्रीन होगा शायद 6.6 इंचेस डिस्प्ले, और कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का पीछे रेयर में, और फ्रंट में होगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसकी जो टेस्टिंग हुई थी उसमें सिंगल कोर का जो रिजल्ट आया था वो था 1640, और मल्टी कोर टेस्ट में आया 4973। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये रूमर है अभी भी, और शायद ये लाइट वर्जन होगा, तो देखते हैं कब लॉन्च होता है, तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तीसरी खबर ऐसी है दोस्तों Xiaomi के बारे में। Xiaomi का जो नया फ्लैगशिप मॉडल आने वाला है जो है Mi 9। जी हाँ दोस्तों, Mi 9 जो फ्लैगशिप मॉडल है Xiaomi का, उसके साथ में हमको एक अच्छा सा फास्ट चार्जर शायद मिल सकता है। और ये जो चार्जर होगा ये शायद 27 वॉट्स का चार्जर होगा, यानी ये एक अच्छा बढ़िया सा फास्ट चार्जर होगा। और अगर ये मिल जाता है तो बहुत बहुत बढ़िया, आसान काम, अपना काम बड़ा आसान हो जाएगा, जल्द से जल्द फटाफट हम चार्ज कर सकते हैं फोन को। तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो लीक हुआ था, और स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि जो Mi 9 का जो नाम है वो थोड़ा सा ऐसा कोडिंग में दिख रहा है, तो इसमें हमको थोड़ा, ये रूमर है अभी भी, लेकिन मोस्ट लाइकली ये होने वाला है। तो लेट्स वेट फॉर Mi 9, और उसके साथ जो चार्जर आएगा उसको टेस्ट करने में बड़ा मजा आएगा। दोस्तों चौथी खबर है हमारे प्रिय मित्र और भैया जी मार्क ज़करबर्ग के बारे में। जी हाँ, फेसबुक के बारे में। हमने कल ही कुछ फेसबुक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, कल कुछ न्यूज शेयर की थी, और आज कुछ अलग है थोड़ी, लेकिन कल की न्यूज के ऊपर भी थोड़ा टच करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के प्रॉफिट के नंबर्स आए हैं, यानी जो कमाई हुई है फेसबुक की पिछले साल, उसके कुछ नंबर्स आए हैं। और उसके पहले ये जानना जरूरी है कि आपको, कि आपको तो शायद पता ही होगा कि फेसबुक जो है पिछले साल बड़े मुसीबतों में रहा, बड़े समस्या के घिराव में रहा, क्योंकि उसके कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे वो काम करते हैं, जिस तरह कैसे वो डेटा संभालते हैं, उसके बारे में कई सवाल उठाए गए थे। और इतना बवाल होने के बावजूद भी, ठीक है, ये रही फेसबुक की रिपोर्ट्स। और एक और बात बता दूं आपको कि ये रिपोर्ट जो है, एस्टिमेट जो फेसबुक के ऊपर किया गया था, वो एस्टिमेट्स को पूरी तरह तोड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो एस्टिमेट किया गया था फेसबुक के ऊपर कि इतना इतना कमाएगी, इतना इतना इनकम होगा, वो एस्टिमेट पूरी तरह से तोड़ चुकी है, जो कि हालांकि बहुत बहुत कम मामले में होता है, ठीक है। तो चलो जानते हैं फिगर्स के बारे में। और सबसे पहले बता दूं, एस्टिमेट्स जो नेट इनकम होती है उसका एस्टिमेट किया गया था फेसबुक के बारे में $4.27 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, US डॉलर्स जो एस्टिमेट किया गया था $4.27 बिलियन। एक्चुअल में उनकी इनकम आई है, नेट इनकम आई है $6.88 बिलियन। जी हाँ, $6.88, ये फर्क देखिए आप। दूसरी बात, पर शेयर जो प्राइस कोट किया गया था, एस्टिमेट किया गया था, वो था $2.19 पर शेयर। ओके, जो एक्चुअल में हुआ है वो है $2.38 पर शेयर। ऑलराइट,
और जो रेवेन्यू हुआ है उसमें 30% इंक्रीज है उसके पिछले साल से, और एस्टिमेट किया गया था 16.39 बिलियन डॉलर्स, एक्चुअल में रेवेन्यू आया है 16.91 बिलियन डॉलर्स। बहुत फर्क है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। एक बात तो आप समझ लो कि आपके डेटा के ऊपर फेसबुक बड़ा अच्छा कमाई कर रहा है, इतने सवालों के घेरों में होने के बावजूद भी वो जो है इतनी अच्छी कमाई कर चुका है। ठीक है, तो चलो कल की खबर जो थी उसके ऊपर थोड़ा टच करते हैं। और खबर ऐसी है दोस्तों कि कल की जो समस्या, जो सवाल उठे गए थे डेटा के बारे में, डेटा फिशिंग के बारे में, उसने जो फेसबुक के जो सीईओ है उनका नाम है शेरिल सैंडबर्ग, उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है। और क्या स्टेटमेंट दिया है कि ये जो ऐप है वो ऐप पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, और जो भी ये ऐप डाउनलोड करता है उसको हम पूरी तरह से बताते हैं कि ये क्या है और क्यों कर रहे हैं, और उनके कंसेंट के ऊपर ही हम लोग ये जो है अलाउ करते हैं, उनको अलाउ करते हैं डाउनलोड करने के लिए। ये तो बात कैसी हुई तो बता भैया, 13 साल के बच्चे को आप अगर बोलते हो कि ऐप डाउनलोड करो, मैं आपको $20 दूंगा और ये ऐप है, हाँ करोगे? तो बच्चा क्या बोलेगा, हाँ नहीं नहीं मैं पूछता हूँ, मैं सोचता हूँ, है ना। या तो फिर कोई बड़ा इंसान भी हो उसको भी बोल दोगे आप, मैं ये लो 100 पेज का इन्फॉर्मेशन और ये ऐप है, ऐसा ऐसा है, पढ़ लो, फिर आपका कंसेंट होगा तो ही हम करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लोगे यार, आप पढ़ लोगे 100 पेज? हाँ, क्या आपको सिर्फ $20 दिखेंगे? हाँ जी, और ऊपर से आपको कमीशन भी दिया जा रहा है कि और लोगों को लेके आओ। देखो दोस्तों, ये सब हो रहा है और उनके सीईओ ने ये सब बताया है। ठीक है, कि हम पूरे कंसेंट के बाद ही ये सब करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत खतरनाक खबर है, केयरफुल रहिएगा, संभल के रहिएगा फेसबुक के साथ में। ठीक है, और एक और बात, उनके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि जो भी हो रहा था वो बच्चों के कंसेंट के ऊपर ही हो रहा था, उन्होंने हमको कंसेंट दिया इसलिए हम आप चला रहे। ठीक है, तो प्लीज संभाल के रहिएगा। एक बात मुझे याद आ रही है, पता नहीं किसने कही है, लेकिन एक बात याद आ रही है, जो चीज फ्री में हो, ओके, जो चीज फ्री में हो हमेशा ध्यान रखिए, इसका मतलब यह है कि उस चीज के प्रोडक्ट जो है वो आप हो। ठीक है, जो चीज फ्री में मिल रही है इसका मतलब यह है वो चीज के प्रोडक्ट आप हो। तो आप संभाल के रहिएगा फेसबुक के साथ में, क्योंकि अब तो बहुत बवाल होने वाला है शायद, क्योंकि पिछले साल भी फेसबुक बड़े बवाल में रहा और शुरुआत होते ही अभी ये साल में ये बवाल शुरू हो गया है। तो चलो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, क्या कैसी कैसी खबरें आती हैं। ठीक है, तो चलो ये थी आज की खबरें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो जैसे मैंने पहले कहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए हमारे चैनल को। और दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, कृपया शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।